बच्चों, इस आशा के साथ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नई वीडियो के साथ। क्योंकि आपने जो है अभी तक जहाँ तक पढ़ा है उसे मैं उस पर मैं एक बार फिर पुनः प्रकाश डालना चाहती हूँ। जैसे कि इससे पहले हमने मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और इसमें ये भी देख लिया था कि मौर्य काल को जानने मौर्य वंश के बारे में जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोत हमारे पास महत्वपूर्ण हैं। उनमें से पुरातात्विक प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आते हैं। उसके बाद यूनानी राजदूत मेगस्टनी द्वारा लिखी हुई इंडिका और चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र नाम से तो वैसे अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ ग्रंथ दिखाई देता है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक राजनीति शास्त्र है। इसमें राजा और उसके राज्य करने के नियम इत्यादि बताए गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, इस मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, और देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चूंकि एक बृहत राज्य था तो बृहत ही प्रशासन भी होगा, ऐसी उम्मीद करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य के बारे में मैं आपको आज पूर्ण विस्तार के साथ बताऊंगी। इसका आंसर भी बच्चों आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 अन्य थे। 4 अन्य में एक तक्षशिला था जो कि राज्य के पश्चिमी भाग में था, उज्जैनी ये मध्य भाग में था, तोशली पूर्वी हिस्से में था और स्वर्णगिरी ये दक्षिणी हिस्से में था। इस प्रकार से 4 केंद्र थे या प्रांत थे। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर, देखिए आप सीमा देख लीजिए पहले इस राज्य की कहां से थी, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। देखिए एक जैसे संदेश उत्कीर्ण करने का कैसे पता लगता है, कुछ स्तंभ लेख मिले हैं, कुछ लघु शिला लेख मिले हैं, कुछ महाशिला लेख मिले हैं, उन सबसे पता चलता है। देखिये उत्तरांचल का नाम इसमें चूंकि आ गया है, उत्तरांचल में आप सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि आप एक इतिहास मतलब इतिहास के स्टूडेंट हैं, तो कालसी नामक एक जगह है डिस्ट्रिक्ट देहरादून के अंतर्गत, वहां से अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभी नीचे मैं मैप के माध्यम से भी नेक्स्ट पेज पर आपको प्रश्न संख्या 33 यानी कि 33 पर आप देख सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों का वितरण दिया गया है। तो कालसी से देखे, कालसी से महाशिलालेख मिला है क्योंकि आप इस चित्र में नीचे देख सकते हैं 3 श्रेणी बताई गई है। ये तीनों श्रेणी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैप भरने के लिए बच्चों एग्जाम में आता है 10 से 12 नंबर, महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख। अब आप दक्षिण भारत में सबसे पहले देखिए कि पूरा का पूरा एक जो है गुच्छे के रूप में या गढ़ के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर लघु शिलालेख ज्यादा मिले हैं लेकिन महाशिलालेख कुछ ही है, जैसे कि सुपारा है, सन्नति है और फिर दुगनार है, शिशुपालगढ़ जोगढ़ से मिला है, ये कलिंग के अंतर्गत आते हैं, उड़ीसा भी जिसे कहा जाता है। और स्तंभ लेख तो बच्चों देखिए आप मिल जाते हैं सांची से आरंभ, ऊपर से यदि आरंभ करें तो टोपरा यानी कि दिल्ली, मेरठ से गुर्जरा से गुजर दिया हुआ है और सांची से कौशाम्बी और ये पूरा बिहार में होते हुए पाटलिपुत्र, लोरिया, नंदनगढ़ और लोरिया रामपुरवा पूरा नेपाल की तराई तक हमें ले जाते हैं। रुमिंग दई और निगाली सागर ये दोनों के दोनों जो हैं शिलालेख स्तंभ लेख, ये रुमिंदई और ये नेपाल की तराई में मिलते हैं। अब देखते हैं इधर पश्चिम की साइड, कंधार से मिला है एक,
महाशिलालेख है और पाकिस्तान में सहबाजगढ़ी और मानसेना, इसीलिए चार पांच भाषाओं का इस्तेमाल भी हुआ है इन अभिलेखों को लिखने में। अच्छा, मैप आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आने वाली चीज है, इसलिए इसे तो बिल्कुल भी हम किसी भी प्रकार से अनदेखा नहीं कर सकते। अब देखिए, कंटिन्यू करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न प्रकार के थे। देखिए, जो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत क्षेत्र थे वो अलग अलग प्रकार के थे। एक तो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र थे और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी था उसके तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही होगी। नगर सिंह ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए भी एक समिति और उसकी छह उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से प्रत्येक उप समिति में पांच पांच सदस्य हुआ करते थे। इनमें से एक उप समिति का कार्य नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना था। चौथी अश्वारोही लोग को देखती थी और पांचवी रथारोहियों तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। यानी कि छह प्रकार से मौर्य सेना जो है विभाजित थी। अलग अलग प्रकार के कार्य, अलग अलग प्रकार की समितियों को करना होता था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, अब वो देख लेते हैं। उपकरण के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों को नियुक्त करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। और ऐसा कैसे किया उन्होंने? उन्होंने धम्म के प्रचार के द्वारा ऐसा किया था। जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा है, पढ़ा, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। अब ऊपर थोड़ा चलते हैं बच्चों। एक क्या क्या कार्य करते थे, नगस्तनीज का कुछ विवरण दिया हुआ है ब्लू बॉक्स में, ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। उन्होंने कहा है कि साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख करते थे, कुछ भूमि का मापन भी करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से नहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख द्वार का निरीक्षण करते हैं ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली भी करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायियों का निरीक्षण करते हैं, साथ ही लकड़ारों, बढ़ई, लोहार और खनकर्ताओं का निरीक्षण भी करते हैं। तो ये नोटबुक में आप जरूर नोट कर लें। अब मैं एक बार पुनः आपको कुछ अगले प्रश्न पर ले जाते हुए मौर्य प्रशासन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगी। मानचित्र से पहले वाले प्रश्न पर हम देखते हैं जहाँ से शुरू होता है साम्राज्य का प्रशासन। देखिए, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में यदि थोड़ी सी गहन दृष्टि डाली जाए तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन
वर्तमान भारत के प्रशासन से पूरा तो नहीं लेकिन किंतु कुछ लगभग मिलता जुलता सा ही था, क्योंकि प्रशासन को तीन बड़े भागों में बांटा गया था। नंबर एक पर था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में राजधानी पाटलिपुत्र में था, जहां पर राजा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से शासन का कार्य संभालते थे और उनके जो है प्रमुख जो पुरोहित सेनानी और ग्रामीण यानी कि गांव से संबंधित अधिकारी, सेना से संबंधित अधिकारी और उनके पुरोहित अर्थात जो उनके धार्मिक सलाहकार हुआ करते थे, उनकी सहायता से राजा अपना शासन चलाता था। कहा जाता है कि केंद्र में 18 प्रमुख मंत्री नियुक्त किए गए थे। और उसके बाद आ जाता है प्रांतीय प्रशासन, यानी कि देख लीजिए आपके मौर्य साम्राज्य जो है 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में विभाजित था। पहला राजधानी पाटलिपुत्र जो हमने केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत कवर कर लिया है। दूसरे में आ जाता है प्रांत थे 4, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी, यानी कि इनमें केंद्र की तरफ से एक एक राजकुमार को नियुक्त किया जाता था या बिल्कुल राज परिवार से घनिष्ठ कोई व्यक्ति ही वहां पर जाता था नियुक्त होने के लिए, जिसे प्राय गवर्नर कहा जाता था। और वहां पर भी सेम केंद्र जैसी ही व्यवस्था थी, प्रांतीय प्रशासक जो थे वो भी अपने मंत्री परिषद की सहायता से शासन चलाते थे। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां मौर्य प्रशासक स्वयंभू थे, किंतु ऐसा नहीं था कि वो स्वेच्छाचारी थे, बल्कि वो अपनी मंत्री परिषद से मंत्रणा करने के बाद ही अपना शासन चलाते थे। तीसरा जो हम मेन पॉइंट लेंगे वो लेंगे स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में नगर और गांव का प्रशासन आ जाएगा। गांव में ग्राम प्रमुख होता था और उसके अनेक अधिकारी होते थे जो ग्राम अधिकारी की सहायता करते थे गांव के प्रशासन को चलाने के लिए। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि देखिए, अभी सेना के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, इसमें तो सेना के बारे में तो वही लिखना है जो इसमें दिया हुआ है कि कितनी समितियों में बटी हुई थी। सेना का कार्य जो है 6 समितियां संभालती थी। ठीक उसी प्रकार जो है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राजस्व का, कि देखिए इतना बड़ा साम्राज्य था तो उसे चलाने के लिए धन भी आवश्यक था। अब उस राजस्व का स्रोत क्या था, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा जो है अपनी जनता पर यानी कि कृषकों पर उपज का 1/6% हिस्सा जो है राजस्व के रूप में वसूलता था। इसके अलावा भेंट और उपहार भी अन्य राजाओं को मिलते रहते थे, जिनसे राजस्व की कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि अभी आपने इसमें पढ़ा है पैराग्राफ में कि उज्जैनी एक ऐसी जगह पर स्थित था जहां से व्यापारिक मार्ग बड़ी आसानी से मिल जाता था, बंदरगाहों तक पहुंच थी। अब इसी प्रकार नगर प्रशासन की ओर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेते हुए, तो नगर प्रशासन में भी 6 समितियां थी। प्रत्येक समिति का अलग अलग कार्य था, जैसा कि जनसंख्या समिति वो देखती थी कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है। कुछ विदेशी यात्रियों से संबंधित समिति थी, वो देखती थी कि विदेशी यात्री आए तो कितने आए और कहाँ हैं, कैसे उनका प्रबंध किया गया है, इस प्रकार से। और जब इतना बड़ा साम्राज्य था तो इसमें एक क्वेश्चन आया है बच्चों, अभी हम देखते हैं नीचे की ओर आया है क्वेश्चन कि राजधानी से प्रांत तक जाने में कहीं बहुत लंबा समय लग जाता था, इसलिए खान पान की व्यवस्था, उसकी सुरक्षा भी करनी होती थी। देखिए, सेना को यह प्रमुख कार्य तो करना ही होता था, लेकिन
सम्राट अशोक ने भी अपने अभिलेखों में ये उत्कीर्ण कराया है कि उन्होंने प्रजा को अपनी संतान के समान समझाया और उन्होंने पशुओं के लिए अलग से चिकित्सा व्यवस्था करवाई है और अपनी प्रजा के लिए अलग से चिकित्सा व्यवस्था, उसके अलावा सड़कें बनवाना और उनके किनारे से किनारे छांवदार वृक्ष लगवाना आदि सब ये जो थे कल्याणकारी कार्य सम्राट अशोक के समय में हुए। अब हम आगे देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। इससे मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इससे ऊपर की लाइन में हमें एक शब्द दिखाई दे रहा है, हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि महामात्य। देखिए जो महामात नाम का विशेष अधिकारी थे, महामात नाम के, वो सम्राट अशोक के समय में ही नियुक्त हुए। उनका कार्य था प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपने राज्य का दौरा करके पता लगाना कि लोग धर्म का अपना पालन कर रहे थे। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, अब इसे देखते हैं इतिहासकारों की नजर से। 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया, यानी कि इसे एक प्रमुख काल का दर्जा दिया गया। इस समय भारत ब्रिटिश भारत साम्राज्य के अधीन एक उपनिवेशित देश था। भारत उस समय क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन उपनिवेशित देश था। देखिए भारत का जो इतिहास लिखने का प्रारंभ किया था वो सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा ही किया गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, वो है कि 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के समान थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनित भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां ले चुके थे। सम्राट अशोक ने अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी, जबकि इसके बाद के राजवंशों में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि शासक वर्ग अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ेंगे। अब देखिए मौर्य साम्राज्य हमारा खत्म होने को है, इसमें यानी कि जितना दिया हुआ आपके लिख में उसमें। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, प्रश्न यह उठ जाता है कि मौर्य साम्राज्य था कितना महत्वपूर्ण। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक चल पाया, यानी कि विशाल तो था, महत्वपूर्ण भी था, किंतु केवल 150 साल ही चल पाना कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न तो खड़े कर पाता है, खड़ा कर जाता है कि किसे महाद्वीप उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जाता। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि 150 साल तक चला हुआ कोई साम्राज्य ये कोई लंबा अपना इतिहास नहीं छोड़ पाता है, तो कोई बहुत बड़ा काल भी नहीं माना जाता, क्योंकि इससे बड़े बड़े राजवंश 400-400 वर्ष तक चले। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था, यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आने से उपमहाद्वीप के कई भागों में नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि 150 साल नहीं चल पाया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो हैं उन्होंने कलिंग को जीत लिया था, किंतु उसके बाद ही उन्होंने शस्त्र डाल करके धर्म को अपना लिया था, यानी बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था और सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें अपने अभिलेखों पर जो है अंकित कराई और उन्हें अपने साम्राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में
गड़वा दिया या लगवाया। किंतु अशोक जब तक जीवित रहा तब तक इस साम्राज्य की धाक बनी रही, और उस अशोक की सम्राट अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी इतने सक्षम नहीं हुए कितने विशाल साम्राज्य को संभाल पाते। और यही कारण था कि उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे, और इस प्रकार अंतिम शासक जो था मौर्य साम्राज्य का वो था बृहद्रथ, जिसे जब वो सेना का निरीक्षण कर रहा था, मौर्य सेना का निरीक्षण कर रहा था, तो उन्हीं के जो है सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने उन्हें मार दिया था, और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल बच्चों राजधर्म के नवीन सिद्धांतों के बारे में। देखिए बच्चों, आपको मैंने मौर्य प्रशासन के बारे में अच्छी प्रकार से बता दिया है। आप इस वीडियो को जब देखेंगे और बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था और कैसा था। उसके लिए आपको पाठ्य पुस्तक का जो मैंने साथ में लिंक दिया है उसे भी थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अब बच्चों मेरी आशा है कि आप जो है सभी मानदंडों पर खड़े उतरेंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।